नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपने कहावत तो सुनी होगी, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, और यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इस अम्मा की हालत मोहल्ले की उन औरतों की तरह है जिसे अपने घर से ज़्यादा पड़ोसियों की फिक्र होती है और फिर लग जाती है आग लगाने। वैसे तो पाकिस्तान की आंखों में चर्बी हमेशा छाई रहती है, लेकिन इस चर्बी की वजह से वहाँ की जनता खाक छानती फिरेगी। जी हाँ, किसानों के नाम पर ट्रैक्टर रैली निकालने वाले पाकिस्तान की हालत देखकर आपको भी एक बार की तरस आ जाए और सोच में पड़ जाए कि खुद की जनता रोटी के लिए तरस रही है। और ये बात करते हैं भारत में चल रहे किसान आंदोलन की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध राज्य के एक फैसले की वजह से, सिर्फ इस एक फैसले की वजह से देश के कई हिस्सों में आटे की भारी कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद आ गई, उन्होंने कहा था, न खेलब न खेला देव, खेलबो बिगाड़ देव। ठीक इसी तरह का फैसला है ये। बताते हैं वो फैसला क्या है जिसने अब इमरान की भी चिंता बढ़ा दी है कि कहीं आवाम को रोटी ना मिले तो वो बागी ना बन जाए। पहले ही पाकिस्तान में लोग इमरान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि देश के हर बाशिंदे पर 2.25 लाख रुपए की उधारी है। खैर, खबर यह है कि सिंध राज्य ने पुराने गेहूं का स्टॉक देने के फैसले को रद्द कर दिया है, और ये स्टॉक करीब 32,000 टन का है, और अब ये गेहूं सिंध के पास ही रहेगा, यानी बाकी के इलाकों में नहीं भेजा जाएगा। और ऐसे में कराची, लड़काना, शिकारपुर, कंबर, शाहबाबकोट, जकोबाबाद और काश्मोर रीजन में आटे की भारी कमी हो सकती है। इस कमी की वजह से इस साल फिर से लोगों को भरपेट खाना मिलने में खासी दिक्कतों का सामना करना होगा। बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं जब पाकिस्तान की एक अच्छी खासी आबादी को पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं मिल पाई, और इस वजह से खाने पीने वाले सामानों के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। लोगों को कई गुना ज़्यादा दामों में रोटियां और ब्रेड खरीदना पड़ा, और कई बार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन के भी पसीने छूट जाए। बता दें कि सिंध राज्य के फूड डिपार्टमेंट ने 2 फरवरी को गेहूँ देने की बात कही थी, लेकिन आटा मिल माफिया गिरोह के नाम पर 8 फरवरी को दूसरा आदेश जारी किया गया और अपने फैसले को पलटते हुए रद्द कर दिया। सिंध राज्य के इस फैसले से केंद्र सरकार में भी काफी नाराजगी है, और प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस फैसले से टेंशन में आ चुके हैं। यही वजह है कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान की कैबिनेट ने सिंध सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, और पूरे मामले पर काफी देर तक चर्चा भी हुई। सरकार को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं आम जनता रोटी के लिए बगावत न कर दे। खास बात यह है कि सिंध प्रांत के इस फैसले की वजह से सबसे ज्यादा असर कराची रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 32,000 टन गेहूँ में से 16,000 टन गेहूँ अकेले कराची को मिलना था। सिंध राज्य के फूड डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा कि हमें पुराना गेहूं नष्ट करना पड़े तो हम कर देंगे, लेकिन फ्लोर मिल्स माफिया के हाथों में गेहूं नहीं पड़ने देंगे। वैसे भी सरकार की गेहूं रिलीज करने की पॉलिसी साल 2020-21 की पॉलिसी में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा मकसद साफ है कि हम स्कैम से बचना चाहते हैं, इसके लिए माफिया को फायदा कतई नहीं पहुंचाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध राज्य साल 2012 से 2017 तक लगातार गेहूं की सप्लाई करता था, लेकिन 2018-19 में सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदा ही नहीं था। वहीं साल 2019-20 में गेहूं की कम खरीदी हुई, और अब ये भारत में चल रहे आंदोलन की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों को सरकार को सूचना देना जरूरी है वहां पर कि वो कितना गेहूं उगा रहे हैं। पिछले साल तो सिंध सरकार गेहूं खरीदी का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाई थी, और इस साल सिंध सरकार 3700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की नीलामी करेगी। अब सिंध में जिस 32,000 टन गेहूँ की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसकी क्वालिटी बेहद खराब है, इसके बाद भी सिंध सरकार वो गेहूं नहीं दे रही है। ऐसे में जब कैबिनेट में मामला उठा तो कहा गया कि क्या सिंध सरकार आम जनता को जानवरों से भी बदतर मानती है जो गेहूं लोगों को ना देकर फैक्ट्रियों के लिए दे रही है। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर खाद्यान्न पदार्थों का जो संकट बना है वो भी सिंध की वजह से है, क्योंकि सिंध सरकार अपना डाटा केंद्रीय सरकार के साथ शेयर ही नहीं करती। अब कमाल की बात ये देखिए कि कैबिनेट ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ समय पहले खैबर पख्तूनख्वा राज्य की सरकार ने सिंध सरकार से गेहूँ देने की अपील की थी और एक पत्र भेजा था, लेकिन सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा को गेहूँ देने से मना कर दिया, जबकि उसके पास काफ़ी स्टॉक जमा था। कैबिनेट ने इस बात से नाराजगी जताई है कि सिंध सरकार एकदम सड़ जाने की स्थिति तक गेहूं को रोक कर रख रही है, जो कि गलत है। मतलब गेहूं खराब हो जाए, सड़ जाए, उसमें फफूंदी लग जाए, लेकिन जनता को खाने के लिए नहीं देना है। वाह, कमाल है भाई। और ये ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं, तभी तो जनता इनसे पूछती है कि जाने वो कौन सा नशा करता है। खैर, वो कौन सा नशा करता है या कौन सा सस्ता नशा करता है वो तो वही जाने, पर ये जरूर है कि कटोरा खान एक दिन सबके हाथ में कटोरा ही ना थमा दे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।